तेरे पास ऐसी दूसरी पैंट नहीं है ना? अरे है। अरे नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ ना है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है। अरे आप हमेशा एक ही पैंट दो साइज में बनाते हैं ना, तो होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? हाँ होना चाहिए। क्रिक। मैं देख कर आती हूँ। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं एक पैंट के दो पैंट बनाता हूँ? ये बात तो कट रहा है रास्ता, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। कॉकरोच, तुम एक काम करो, तुम वहां देखो कॉकरोच है कि नहीं। मैं क्यों देखूं? आपका कॉकरोच आप देखिए। मेरा कॉकरोच मतलब? हाँ, आपके कमरे से निकला, घर से निकला आपका कॉकरोच। मेरा कॉकरोच? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मेरी सेक्रेटरी हो। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, कॉकरोच देखो तो कॉकरोच देखो। वही तो, मैं तो मामूली सी सेक्रेटरी हूँ, आप तो इतने बड़े रॉकस्टार हैं, आपको कॉकरोच से डर लगता है? डर किसे लगता है? रॉकस्टार हूं ना मैं। अगर मैंने नीचे पैर रख दिया और कॉकरोच मेरे पैरों के नीचे आकर मर गया तो मीडिया फालतू में न्यूज बना लेगी, बोलेंगे बेरहम रॉकस्टार ने की मासूम कॉकरोच का कत्ल। अच्छा लगेगा वो? तुम थोड़ी ना कोई रॉकस्टार हो, तुम्हारे पैर के नीचे अगर कॉकरोच आकर मर भी गया तो कॉकरोच ही मरेगा, और क्या होगा? अब जल्दी से देखो वरना मैं तुम्हें धक्का मार दूंगा। उसमें तो आप एक्सपर्ट है ना, दादी के रूम में भी मुझे धक्का मार दिया, यहाँ पे भी मुझे धक्का मार देंगे। तीन तक गिनूंगा मैं। 1 2 2। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। नहीं, इस तरफ कॉकरोच नहीं। इस तरफ नहीं? नहीं, आप उस तरफ देखिए। मैं क्यों देखूं? तुम देखो, तुम्हें काम कंप्लीट करना चाहिए ना। अगर उस तरफ देखा तो इस तरफ भी देखो। अरे उस तरफ जाने के लिए मुझे आपके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा ना, आपके लिए आसान है, आप देखिए। चढ़ के जाना? खैर ना, तुम्हारे पास चल कर जाओ ना, चढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे डर लगता है ना, आप समझ नहीं रहे। कुछ हिलो मत, क्या कर रही हो? ये अभी के बेड पे कौन है? अरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे। क्या? क्या हुआ? अरे मेरा मतलब है बचने की प्लानिंग कर रहे, तुम आ क्या कर रही हो? तुम भी बेड पर आ जाओ वरना तुम पर अटैक हो जाएगा। अटैक? अरे कॉकरोच अटैक। ऊपर आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पे कोई कॉकरोच नहीं है। अच्छा तुम्हें देखकर भाग गया होगा, इतनी खतरनाक जो लग रही हो तुम। कॉम्प्लीमेंट इतने गुस्से में। निकू, मेरी रिसेप्शनिस्ट। तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट? मैंने रिसेप्शनिस्ट बोला? सेक्रेटरी। क्या क्या कर लेती हो तुम? वैसे जब ये कमरे के अंदर आई ना तो उसके पीछे पीछे कॉकरोच भी आ गया, तो डर के मारी बेड पर आ गई। अब मुझे तो डर वर लगता नहीं है, मैं तो डरा नहीं, पर क्या इतनी जोर से चिल्लाई, मुझे लगा कोई डायनासोर आ रहा है।
अगली बार अगर डर भी लगे, टाइगर भी है, चिल्लाओगी नहीं? चिल्लाओगी? गुड गर्ल। अभी मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ओके, हे, आई विल बी बैक। चलो अभी। ये तुम्हारा रूम है, ये भी तो बाहर जा सकती है ना? ऑफ कोर्स। वैसे सारे डेकोरेशन हो गए ना जी? तुम नीचे आकर देखो कि कोई कॉकरोच तो नहीं है ना? ओके। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? वाह मम्मी जी, हमारा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। कितने समय बाद हमारे घर में पार्टी होने वाली है, का मतलब है घर में फिर से हलचल होगी। हाँ, कितना मजा आएगा मम्मी जी। अरे मीडिया वाले आए हैं तो फोटो खींचेंगे, और फोटो खींचेंगे तो मतलब पेज 3 पे आएंगे हम। देख जरा मेरी साड़ी वाड़ी तो ठीक है ना? सब ठीक पहना ना? मैं ठीक लग रही हूँ ना? सोच के मजा आ रहा है, ठीक लग रही है तुम्हें? मजा तो तुझे आना ही है, काम शाम जो नहीं कुछ किता है, वहाँ ऊपर खड़ी कोने में बस हुकुम चला रही थी, मजा आ रहा है मजा। छोड़ इनको, हाँ चल अपना काम करते हैं। हाँ, अपना काम करते हैं, कुछ काम कर ले काम। ठीक है ना, समझ गया? हाँ ना। ठीक है, जा। दीदी कुछ देर में मीडिया आने वाला है, सोचा आपने कि क्या करेंगे हम लोग, पार्टी भी शुरू हो जाएगी। राज। राज ठीक है? हाँ दादी। इधर आना बेटा। हाँ दादी। किन किन लोगों को इनवाइट किया पार्टी में? दादी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, मीडिया काफी होगा। आपको बुलाना है किसी को? अभी कितने बजे मीडिया के सामने आएगा? 9 बजे। और कुछ? नहीं कुछ नहीं, तू जा। हाँ ठीक है। दीदी कुछ ही देर में मीडिया के लोग आएंगे और सबको पता चल जाएगा, फिर क्या फर्क पड़ता है किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया? सर आप तो कुछ सोचो। सोचा तो था कि कुछ करूंगी, पर अब सोच रही हूँ कि नहीं, कुछ नहीं करूंगी। मुझे डर लगता है कि मेरे कुछ करने से मेरे अभी का नाम खराब ना हो जाए। फिर अब क्या दीदी? एक ही काम हो सकता है, तनु पर है वो। अगर तनु मीडिया के सामने ये कह दे कि उस रात पार्टी में वो सब नहीं हुआ, बस आपको लगता है वो चुड़ैल ऐसा भूलेगी? नहीं, वो तो कुछ नहीं भूलेगी। मान लो कि मैं ही अड़ जाती हूँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, लेकिन अभी को क्या जवाब दूंगी? उसके लिए तनु का सारा सच बताना पड़ेगा, वो मैं चाहती नहीं, क्योंकि उसे अभी के दिमाग पर असर पड़ेगा। इसका मतलब ये है दीदी, सब कुछ जानते हुए भी हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, खामोशी से हर चीज देखते रहें, चुप रहेंगे हम, और एक बार उस तनु की शादी अभी से हो गई ना, तो वो चुड़ैल जिंदगी भर अभी का खून चूसती रहेगी, ये तो सोचो आप। तू चिंता मत कर, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। ठीक है, आपको पता है क्या करना है। बहन जी का कुछ करना पड़े, कितने हाथ पार किए जा रहे, ये पहले इस घर में आई, फिर अभी के रूम में, और अब अभी के बेड पे, पहले इसका जल्दी से कुछ करना होगा। यू डोंट वरी, इसका कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करेंगे। लास्ट टाइम वाली गलती हम दोबारा नहीं दोहरा सकते। इससे पहले कि वो भाई को डाइवर्ट करे अपनी तरफ, हमें उसे उसकी असली जगह दिखानी होगी। भाई के कमरे में जाएगी, ऐसी हालत कर देंगे उसकी कि खुद के रूम में जाने की हालत में नहीं रहेगी। पर कैसे? एक बार आज की पार्टी ठीक से होने दो तनु, ये अनाउंसमेंट हो जाए ना तो एटलीस्ट माइंड थोड़ा फ्री हो जाएगा चीजों को प्लान करने के लिए। सेक्रेटरी बनकर बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना, देखना
अगर नौकरानी बना के ना छोड़ा फिर मुझे कहना। उससे कुछ नहीं होगा आलिया, क्योंकि अभी के दिन में प्रज्ञा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें प्रज्ञा को उसकी पोस्ट से नहीं अभी के दिल से निकालना होगा। और अभी के दिल में जो प्रज्ञा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है वो इतना ईजिली खत्म नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम फिर भी ईजी था, क्योंकि अभी को ये पता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन इस बार ऐसी कोई वजह नहीं। यू आर राइट तनु, तुम्हारी जगह अभी भाई के दिल में फिक्स नहीं हुई है और वो बहन जी धीरे धीरे करके भाई के करीब आने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इससे पहले कि वो भाई की लाइफ में जगह बनाए, भाई के दिल में, भाई के कमरे में हमें कुछ करना होगा। एनीवे वो सब कुछ मैं प्लान कर लूंगी। जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं तुम नीचे मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम नीचे आओ और सबसे पहले सब तुमसे सवाल करें। ओके आलिया जी, एक बात समझ में नहीं आई। इतनी बड़ी न्यूज आई है अभी के खिलाफ, उसका जस्टिफिकेशन देने की जगह अभी सबको पार्टी दे रहा है। क्या उनको पता नहीं है कि मार्केट में उनका नाम कितना खराब हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर उनके एल्बम से अपने हाथ खींच रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि आज के बाद उनके एल्बम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। आप भी कमाल की बातें करते। आपने ये पार्टी नहीं देखी? गेस्ट से ज्यादा मीडिया को बुलाया गया है, क्योंकि आज भाई खुद अपनी जस्टिफिकेशन देंगे एक अनाउंसमेंट कर। उसके बाद आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी सफाई देने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक जगह खड़े मत रहना, बाकी वेटर्स को जाके बता देना किन किन को ड्रिंक्स सर्व करना बाकी। ओके थैंक यू। मिस सेक्रेटरी, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। जब तक भाई नीचे नहीं आ जाते तब तक इनका खास ध्यान रखिएगा, और इनके लिए कुछ खास पीने का और खाने का इंतजाम कर दीजिए। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि आज शाम को जो यहाँ पर भाई अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसके बाद भाई का डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाला है। आप देखिएगा, बी रेस्ट अश्योर्ड कि लॉस भाई का नहीं, बेचारे उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा। तुम यहीं पर खड़ी हुई हो, तुम्हें बात सुनाई नहीं दी क्या? वेटर्स के आने का इंतजार मत करो, खुद जाकर लेकर आओ और उन्हें ड्रिंक्स और स्नैक्स ला कर दो। तेनू पता है पार्टी क्यों रखी गई है? गेस्ट से ज्यादा तो यहाँ मीडिया वाले दिखाई पै रहे हैं। मेनू ते वजह कुछ खास ही लगती है। मुझे पता है कि अभी आज मीडिया में क्या अनाउंस करने वाला है। अरे तुझे पता है तो बता ना, बिना वजह जाने पार्टी का मजा ही नहीं आ रहा है। पता तो मैं दूंगी मामू जी, लेकिन उसके पहले ना आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तेरे साथ टीम क्या बना ली, तो हर बात में प्रॉमिस ही मांगने लगी है मुझसे। अब यहाँ क्या मुझसे खाने के बर्तन उठवाएगी? जो काम मैं अकेले में करती हूँ वो सबके सामने थोड़ी ना कर पाऊंगी। अच्छा छोड़िए इस बात को, आप है ना सिर्फ राज को इतना बोल दो कि वो मुझे कहीं बाहर फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाए, बस। मैं कोई फिल्म दिखाने नहीं लेकर जा रहा हूँ। ये इतनी बड़ी बात बताने वाली है हमें, एक फिल्म तो बनती है ना इसकी। कौन सी बड़ी खबर सुनाने वाली, अभी थोड़ी देर में सबको सब कुछ बता देगा खुद ही। पहले ही जानकर क्या करेंगे आप? को लेकर जाना है फिल्म लेकर जाए, मेरे पास फालतू काम के लिए वक्त नहीं है। देखा, राज हमेशा मेरे साथ में ऐसे ही करते हैं। दुनिया के सारे पति अपनी पत्नियों को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा पति, उसे मेरी ये बातें फालतू लगती हैं। मेरी बातें क्या, राज को तो मैं ही फालतू लगती हूँ। हमेशा मेरे साथ में ऐसे ही होता है मम्मी जी, मैं सबकी सुनती हूँ उस घर में, लेकिन मुझे कोई नहीं सुनता। नहीं नहीं कैसे नहीं लेके जाएगा, तो मैं बात करता हूँ। मिताली पुत्र तू चिंता नहीं कर, मैं भी समझाऊंगी उसे। हाँ वो लेके जाएगा तुझे पिक्चर। चल तू मुझे जल्दी से बता दे कि अभी क्या अनाउंस करने वाला है। हद कर दी मम्मी जी आपने, मतलब यहाँ पे मैं आपके सामने अपना दुखड़ा रो रही हूँ और आपको इस बात की पड़ी हुई कि अभी मीडिया के सामने क्या अनाउंस करने वाला है। यहाँ मेरी दुनिया में हलचल मची हुई है और आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। नहीं बताऊंगी मैं आपको कि अभी क्या अनाउंस करने वाला है। उल्टा मेरा मन क्या कर रहा है पता है, कि मैं मीडिया के सामने अभी के साथ साथ अनाउंस कर दूं कि मेरा खानदान की बहू अपने घर में किन हालातों में जी रही है। थैंक यू। वहां क्या खड़ी हो, जाकर सब गेस्ट को सर्व करो। और सुनो,
फैमिली को भी जाकर देकर आओ। बहुत शौक है ना तुम्हें भाई की सेक्रेटरी बनने का, तो फिर करो ये सब कुछ। ये सब कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और अगर ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना ना, तो एक काम करो, अपने आप ही कोई बहाना बनाकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी मैं अदरवाइज कि कहीं पर वेट्रेस बनने की भी हालत नहीं रहेगी तुम्हारी। प्रज्ञा, अगर मैं मर भी रही हूंगी ना, तो तुम्हारे हाथ से पानी नहीं लूंगी। ये तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे नहीं नहीं मिताली पुत्र, ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी तक तो ये हमसे काम करवाती थी, अब तो आई है ये अपनी औकात पे, हाँ तो इसका हौसला बढ़ाना चाहिए, है ना? अच्छा सुन, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए जूस लेके आ, और अगर स्टॉक में जूस खत्म हो गया है ना, तो फ्रेश बनवा के लाना, खाली हाथ मत आना। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि ताई जी ने क्या कहा है? गो गेट हर द फ्रेश जूस। मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं, फिर भी अगर वो मुझसे ये काम कहते ना, तो शायद मैं कर भी लेती, लेकिन तुम लोगों के कहने पे तो हरगिज नहीं करूँ। और हाँ, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहती। जहाँ तक इस नौकरी का सवाल है, जब वो मुझे बोलेंगे ना, मैं ही नौकरी छोड़कर चली जाऊँ, तब तक मैं यहीं जाकर कह दूँ उनसे कि मैंने ये काम करने से मना कर दिया। तो मैं तुम्हें देख लूंगी। टेक इट इजी। देखिए, मैंने आपको एक बार बोल दिया है कि भाई खुद आकर आपसे बात करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, तो आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? जस्ट काम डाउन, ही विल कम टू यू। वेट, सॉरी, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी सेक्रेटरी होकर वेटर वाले काम कर रही हो, किसी ने देख लिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। छोड़ो उसे। आपकी बहन ने कहा था, इसलिए मना नहीं कर पाई। आलिया, आई विल बी बैक। है वो? कम ऑन भाई, लेट्स गो, एवरीथिंग इज रेडी, चलिए। ये रेडी वेडी तो ठीक है, ये पार्टी तुमने इसलिए रखी है ना ताकि मीडिया के सामने मेरी इमेज ठीक कर सके, तो फिर इमेज खराब क्यों करी? मेरी सेक्रेटरी से वेटर वाले काम क्यों करवा रही? भाई मैंने नहीं बोला, मैंने तो इसे मतलब गेस्ट खाली हाथ खड़े थे तो मैंने इसे बोला कि सबको सर्व करवा दो, अब ये खुद ही वेटर बन गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब आप ये सब कुछ छोड़िए और चलिए, अब वहां पर मीडिया भी आ चुकी है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, बोल बोल कर मेरा दिमाग खा रहे हैं भाई, कम ऑन, लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। हां, पर वो तनु का है, उसे मैं बुला लेती हूँ ना, चलिए जल्दी से प्लेट छोड़ो। अरे वो देखो तनु आ गई। चलो मैम, मैम प्लीज, ये बताइए आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, क्या वो सच है? मैम प्लीज बताइए ना, प्लीज मैम बताइए, मैम प्लीज कुछ तो बोलिए। मैम एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मैम प्लीज एक बार सारे क्वेश्चन सुन, प्लीज। हेलो, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहां पर क्यों बुलाया, वो भी तब जब मेरे बारे में इतना नेगेटिव लिखा जा रहा है। जो आप लोग दिखाते हैं न्यूज में वही लोग देखते भी हैं ना, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जर्नलिस्ट हो तो खबर दिखाइएगा, उसे बनाइएगा मत। टीआरपी के लिए किसी भी इंसिडेंट को गलत तरीके से पेश मत कीजिएगा, क्योंकि वो न्यूज पीस आप लोगों के लिए सिर्फ न्यूज है, लेकिन किसी के लिए वो उसकी जिंदगी हो सकती है। आज तक मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं लिखा गया, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप लोगों के एक न्यूज पीस ने मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, मेरे करियर को नुकसान पहुंचाया।
अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग होते कौन है किसी का करियर डिसाइड करने वाले? सर, यस सॉरी सर, लेकिन हमने किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं किया है, हमने तो सर वही लिखा है जो कि देखा गया था। अच्छा, क्या आप थे वहां पर या आप में से कोई भी था वहां पर? किसी ने पैसों के लिए आपको गलत खबर दी और आप लोगों ने बिना सोचे समझे उसे छाप दी। कैसे पता कि मैं तनु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? तनु ने बताया या मुझ पर कोई FIR आया? लेकिन आपकी वो फोटो तो कोई शूट की भी हो सकती थी ना। आप लोगों को कैसे पता कि वो फोटो उस पार्टी की ही थी? एनीवेज, आप लोगों को जो करना था आप लोगों ने कर दिया। मुझे जितना नुकसान पहुंचाना था आप लोगों ने पहुंचा दिया, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने इस झूठ को सब तक पहुंचाया ना, उसी तरह आप लोगों को एक सच भी पहुंचाना है।